मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से देश भर में रोजाना 3 लाख से अधिक नए मरीज सामने आ रहे हैं। हर दिन मरने वालों की संख्या भी 2000 से ज्यादा हो गई है। आज की ही बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 2,600 के करीब लोगों की मौत हुई है। हम और आप कह सकते हैं कि अब अपने देश में कोरोना की सुनामी आ गई है। गाँव से लेकर शहर तक कोरोना डराने लगा है। क्या आम क्या खास, सब पर कोरोना भारी है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में कोरोना की सुनामी पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में कोरोना कहर बरपा रहा है। रोज 13,000 के करीब नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,590 नए मरीज मिले हैं, जबकि 74 लोगों की मौत हुई है। नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 87,640 हो गए हैं। वहीं तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 23.7 तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में सबसे 7 दिन में 514 मरीज दम छोड़ चुके हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड ना मिलना प्रमुख वजह रही हैं। मौजूदा वक्त में भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि प्रदेश में मांग के अनुरूप आपूर्ति हो रही है। कोरोना की वजह से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया की भी जान चली गई है, यानी कि स्थिति अब गंभीर है। देश भर में अगर हालात देखें तो 3.5 लाख के ऊपर मरीजों की संख्या सामने आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी स्थिति विकराल है। मध्य प्रदेश में 13,000 से ऊपर 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या सामने आई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 17,000 से ऊपर मरीजों की संख्या सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोहराम जारी है। शुक्रवार को प्रदेश भर में संक्रमण के 17,397 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन पहले आए 16,750 के मुकाबले 647 ज्यादा है। एक दिन में ही 219 मरीजों की जान जा रही है। 143 को सिर्फ कोरोना और बाकी को अन्य गंभीर बीमारियों के कारण जान गंवानी पड़ी है। ये दोनों आंकड़े कोरोना संक्रमण के पूरे दौर में सर्वाधिक हैं। इनको मिलाकर प्रदेश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,23,469 हो गई है। अब तक महामारी में जान गंवा चुके लोगों की संख्या 6,893 हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण शुरू हो चुका है। दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता भोपाल से और आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप्ति, सबसे पहले मध्य प्रदेश के हालात पर ही अगर बात करें, 13,000 से ऊपर संक्रमण मरीजों की संख्या सामने आ रही है, ऑक्सीजन की किल्लत है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब आम जनता को भी समझ में नहीं आ रहा तो करें क्या। सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब आगे किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है? देखिए, स्थिति कंट्रोल में करना तो बहुत आसान शायद गुंजन नहीं होगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सभी चीज़ें बराबरी से बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि मैं लगातार जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें यही बात आ रही है कि संक्रमण का रेट भी कम नहीं हो रहा है। जितना संक्रमण का रेट बढ़ रहा है उतना अस्पतालों पे दबाव बन रहा है, अस्पतालों में प्रॉपर इलाज की सुविधा नहीं है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें, जितनी डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी तुलना में सप्लाई किसी भी चीज़ की नहीं हो पा रही है। चाहे वो अस्पतालों में बेड की संख्या की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की संख्या की बात हो, या फिर चाहे वो बात करी जाए तो वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, बहुत कोशिशों के बाद भी इनको सप्लाई को कंट्रोल या डिमांड के हिसाब से सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक सप्लाई होती है तब तक डिमांड बढ़ जाती है और ये स्थितियां तब तक कंट्रोल में नहीं आएंगी जब तक या तो बहुत सारे अस्पताल या बेड तैयार नहीं हो जाएंगे। हालांकि वो तैयार किए जा रहे हैं लेकिन अगर उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनमें प्रॉपर इंजेक्शन और इलाज की सुविधाएँ नहीं मिल पाई तो इतने सारे बेड तैयार करने का भी शायद बहुत हल नहीं निकलने वाला है या बहुत उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले यह था कि बेड नहीं है, लेकिन बेड नहीं होने के साथ साथ अब ऑक्सीजन और उसकी स्थितियां भी बहुत ख़राब हो चुकी हैं इंजेक्शन की। तो स्थिति जब ही सुधरेगी जब रिकवरी रेट एकदम से बहुत बढ़े, दूसरा जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत तेज़ी से कम हो,
और इन्फेक्शन रेट कम होना तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को बचा के रख सकते हैं, शायद देखा जा सकता है। रिकवरी रेट अब निर्भर करता है कि कितने लोग क्रिटिकल हैं, कितने क्रिटिकल नहीं हैं। हालांकि कोशिशें पूरे सिस्टम की तरफ से हो रही हैं चीज़ों को ठीक करने की, डॉक्टरों की तरफ से हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं तो ऐसे में हम ये सोचें कि बड़ी ही तेज़ी से चीज़ें कंट्रोल हो सकेंगी, ऐसा शायद मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार शायद तब तक होगा जब तक कि इन्फेक्शन का रेट कम ना हो जाए। बिल्कुल दीप्ति, इंतज़ार करना होगा, लेकिन क्या इंतजार करने का भी वक्त अब हमारे पास बचा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, हर दिन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लोगों की जिंदगी जा रही है। व्यवस्था जुटाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए भी वक्त चाहिए, लेकिन अब वक्त बचता नहीं है। हमारे साथ विनोद हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़ गए हैं, लेकिन आदित्य पहले आपसे छत्तीसगढ़ की स्थिति पर भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग संभाग हैं, अलग अलग स्थिति वहां पर बनी हुई होगी, संभागवार थोड़ा सा चाहेंगे संक्षिप्त में आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों की स्थिति बता दें। देखिए कल देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 17,397 नए केस सामने आए थे और 219 लोगों की मौत हुई थी। देखिए अगर कल पॉजिटिव एक चीज़ मैं देखा पूरे मेडिकल बुलेटिन में, एक ही चीज़ लगी, कल टेस्टिंग बहुत अच्छी हुई है। 57,000 की टेस्टिंग हुई है जो अब तक की सर्वाधिक टेस्टिंग है। इसके पहले कभी इतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई, पहली बार 57,000 के आसपास टेस्टिंग हुई है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, देखिए छोटे छोटे जिले, दुर्ग रायपुर से लगा हुआ, अभी भी लगभग 2000 के आसपास मामले वहां पर सामने आ रहे हैं। दुर्ग संभाग की अगर बात कर लें तो दुर्ग संभाग में दुर्ग आता है, राजनांदगांव आता है, उस तरफ से बालोद और बेमित्रा, ये पूरा जो है बेल्ट, इसमें लगभग 3,500-4,000 मरीज रोज आ रहे हैं संभाग वाइज। रायपुर की बात करें तो रायपुर में खुद 3,000 के आसपास मामले आ रहे हैं और रायपुर संभाग की बात कर लें तो ये आंकड़ा सीधा 7,000 के आसपास जा रहा है। इसके अलावा बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर में देखिए बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, ये सभी आते हैं और बिलासपुर में आंकड़ा जो है वो 1300 से कम नहीं हो रहा, 1317 हो रहा है। गौरेला पिंडरा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद उस तरफ अगर हम बात करें रायगढ़, कोरबा, लगातार सब मामले बढ़ रहे हैं। बिलासपुर संभाग रायपुर के बाद सबसे इफेक्टिव होते जा रहा है, सबसे ज़्यादा मरीज जो है अफेक्टेड होते जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मरीज रायपुर संभाग के बाद सीधा बिलासपुर में आ रहे हैं। मौत जो है वो रायपुर में सबसे ज्यादा है, दुर्ग में सबसे ज्यादा है और अब बिलासपुर में भी मौतें सबसे ज्यादा होते जा रही है। तो संभाग वाइज बस्तर थोड़ा सा सुरक्षित था लेकिन अब वो भी सुरक्षित नहीं, छोटे छोटे जिले हैं बस्तर के, बीजापुर जहाँ एक भी मरीज नहीं आ रहे हैं, अब वहाँ पर भी 34-35-50 के आसपास मरीज आ रहे हैं। कांकेर में खूब मरीज आ रहे हैं, ये बहुत हैरत का विषय है। कांकेर में एक बात भी सामने आई थी कि एक संसदीय सचिव हैं वहाँ के, उनके घर की शादी में जिस प्रकार से हज़ारों लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जो संक्रमण वहाँ पर बढ़ा, 482 कल मरीज एक छोटे से कांकेर जिले में आए हैं जहाँ पर पिछली बार 25-30-35-40 मैक्सिमम इससे ज़्यादा मरीज कभी नहीं आए, वहाँ पर 500 के आसपास मरीज आ रहे हैं। तो बस्तर संभाग भी सुरक्षित नहीं है। खुद TS सिंहदेव का जो गढ़ है सरगुजा, उस पर भी हम देख लें, सूरजपुर बहुत छोटा सा जिला है जो उस तरफ से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा से 440 मरीज वहां पर भी आ रहे हैं। और इसके अलावा बलरामपुर 380 मरीज, जशपुर 394 मरीज, वहां पर जहां पर एक छोटा सा अस्पताल तक के नहीं है और एक सुविधा तक के नहीं है, वहां पर भी अगर अंबिकापुर ये पूरा सरगुजा का बेल्ट मिला दे तो वहां पर भी 3,000 के आसपास मामले रोज आ रहे हैं। तो ये स्थिति तो सभी प्रदेशों की, अब किसी प्रदेश को किसी समझ भी पा रहे हैं कि हालात जहां पर पहली लहर जब कोरोना की थी तब इतने खराब नहीं थे जितने की अब खराब हो चुके हैं। ऐसे में इंतजाम भी सरकार को करने होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर व्यवस्था करना काफी मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ। शरद पंडित जी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर की स्थिति देखें तो पिछले रात हमने देखा कि ग्वालियर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई कि अस्पताल में लोगों की जान जाने लगी, स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। क्या ऑक्सीजन की किल्लत को अभी वहां कुछ हद तक पूरा किया गया है? के लगभग 70 निजी अस्पताल और 5-6 के करीब सरकारी अस्पताल हैं। इनमें सरकारी अस्पतालों में तो प्रशासन ये दावा करता रहा कि उनके पास ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन निजी अस्पताल पिछले एक हफ्ते से लगातार ये बात कहते रहे कि ऑक्सीजन कम होती जा रही है। और कल आखिरकार ये देखने में मिला कि देर रात को 12 बजे के बाद शहर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई। आनन फानन में तमाम सरकार के प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक सब भागे तो शहर के गली गली और छोटी छोटी फैक्ट्रियों से एक एक दो दो चार करके सिलेंडर बटोर के लाए, तब लोगों की
सांसें दोबारा चली, दो लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि प्रशासन अब ये कह रहा है कि सुबह उन्होंने इंतजाम कर दिए हैं और दोपहर बाद शाम तक और देर रात को तीन टैंकर ग्वालियर पहुंच जाएंगे, जिसमें एक टैंकर गुना से आना है, एक महाराष्ट्र से और एक किसी अन्य जिले से आने की संभावना है। कलेक्टर का ये कहना था कि ऑक्सीजन की किल्लत इसलिए आ गई कि भिलाई से जो टैंकर उनका आ रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बाद ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई। तो अब गौर करने वाली बात यह है गुंजन कि अगर इस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी कि अगर कोई टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अस्पतालों में 2000 लोग भर्ती हैं जिसमें से 1000 ऑक्सीजन पर हैं, तो फिर उनका क्या होगा? समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो इसका कहीं ना कहीं अब ये देखने में मिल रहा है कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। तीन टैंकर आने की जो संभावना जताई है वो आ जाएंगे, उसके बाद जरूर एक उम्मीद बनेगी कि वो ऑक्सीजन शायद उनको 2-3 दिन तक सांसें दे सकेगी। बिल्कुल विनोद, ये भी देखना होगा कि ऑक्सीजन, हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि ऑक्सीजन आएगी और तब जाकर मरीजों को दी जाएगी, बैकअप हमें पहले से रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है शरद पंडित जी, अगर कोरोना की पहली लहर को देखें तो इतनी ज़्यादा वो खतरनाक नहीं थी क्योंकि लोग संक्रमित हुए लेकिन बहुत ज़्यादा डेथ रेट नहीं था। इस बार जो डबल म्यूटेंट है वो क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक है? बच्चों पर भी असर कर रहा है, युवाओं पर खासतौर पर असर कर रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए ये हम लोग पहले भी इसका एनालिसिस कर चुके हैं और हम लोगों ने जो ये प्रिडिक्ट किया था और ये अलर्ट किया था कि जो दूसरी लहर आएगी ये जो है वो ज्यादा घातक हो सकती है। देखिए क्या है, ये वायरस जो है बहुत क्लेवर है, इट्स इंटेलिजेंट वायरस। अब इसने अपने आप को डबल म्यूटेंट जो है कर दिया और आगे तो ये सुन रहे हैं कि इसका थर्ड म्यूटेंट भी आ सकता है, इसलिए ये सारी तैयारियां जो है वो गवर्नमेंट के ध्यान में होना चाहिए और इसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए था। खैर कुछ चूक तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हम जो आज ऑक्सीजन की कमी से या बेड्स की और वेंटिलेटर्स की कमी से जूझ रहे, बट एनी हाउ सबको मिलके इस समय जो है वो एकजुटता बताना पड़ेगी, गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगी और जो है सबको मिलकर जो है वो आगे आना होगा। देखिए ऑक्सीजन के जो रिसोर्सेस है रातों रात खड़े नहीं हो सकते थे, पर आगे उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में लेना पड़ेगा। दूसरी कुछ चीजें हैं जैसे कि इंजेक्शंस की बात होती है या हमारे ऑक्सीजन्स की बात हो रही है, इसके लिए हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना पड़ेगी। हम हमेशा जो है वो कॉन्टिजेंट प्लान पे चलते हैं कि आज का काम हो गया है और अब तो ये समस्या चली गई, पर ये वायरस जो है वो आगे कई सालों तक इस तरह की मतलब जो है चैलेंज देता रहेगा, इसलिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है जिसमें जो है हमारे टेक्निकल पर्सन, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इनको साथ में लेना पड़ेगा। अकेले केवल ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यानी कि मैं आपको तैयारियों को पुख्ता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे सरकार के लिहाज से देखें, सरकार को डॉक्टर्स को भी साथ में लेना होगा, साइंटिस्ट को भी साथ में लेना होगा। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है सर। ठीक है, लौटेंगे आप सभी के पास, वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। का स्वागत है। कोरोना विकराल हो चला है, लोगों की जिंदगियां ले रहा है, लोगों से अपील की जा रही है लापरवाही मत बरतिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही और सरकार के कम इंतजाम लोगों की जिंदगी ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस स्थिति से उबरा कैसे जाए, कैसे आम जनता को इस हालात से बचाया जाए। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, आदित्य, दीप्ति, विनोद हमारे साथ बने हुए हैं और शरद पंडित जी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, रायपुर की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ को ही अगर देखें, रायपुर में हालात तो खराब है, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 219 लोगों की जान गई है, आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ वो राज्य जो कि बहुत बड़ा राज्य नहीं है लेकिन संक्रमितों की संख्या इतनी ज्यादा है, संक्रमित के साथ साथ मौत का आंकड़ा इस हद तक बढ़ना कहां देखते हैं आप? देखिए मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ कल बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद एक ही निर्णय लिया गया, सभी कलेक्टरों को फ्री हैंड दे दिया गया कि वो 5 मई तक लॉकडाउन ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है कि आज या
कल सुबह तक अधिकतर जिलों में आदेश निकल जाएगा लॉकडाउन बढ़ाने का, क्योंकि अधिकतर जिलों में 26 तारीख को, कुछ जिलों में 27 तारीख को और केवल बलौदा बाजार में 29 तारीख तक लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन बढ़ेगा ये तय है, संक्रमण कम हो नहीं रहा है। देखिए 1.25 लाख अगर एक्टिव मरीज आ जाएंगे तो 1.25 लाख में अगर 25,000 लोगों को भी ICU और ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही तो वो भी तो नहीं है आपके पास। 13,000 ऑक्सीजन बेड बनाने की आपने बात की थी, अब तक केवल 7,000 आप बना पाए हैं, वो भी सरकारी दस्तावेजों के अनुसार। 6,000 अभी भी बनने हैं, कब बनेंगे, कब मरीज शिफ्ट हो पाएंगे, जब तक ये लहर आपको थाम नहीं पाएंगे, थोड़ा डिले नहीं करेंगे इसको, क्योंकि COVID-19 में देखिए लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी दिन तक आप जो है उस संक्रमण को एक स्थिति तक रोक कर रख सकते हैं, वही लॉकडाउन का असर होता है। हालांकि इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा असर दिख नहीं रहा, दिख रहा सकते हैं आप 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, 219 मौत हो रही है, तब हो रहा है जब लॉकडाउन है, लोग क्योंकि निकल ही रहे हैं सुबह शाम, लोगों की भीड़ अभी दिखी रही है। जब पूरा शहर खुल जाएगा तो क्या होगा ये सरकार भी जानती, 50,000 के ऊपर आंकड़े आ जाएंगे, आप संभालेंगे कैसे, इसलिए लॉकडाउन बढ़ेगा पूरे छत्तीसगढ़ में, यही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प फिलहाल है नहीं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने, कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लेकिन अब कोई विकल्प छत्तीसगढ़ के पास फिलहाल नहीं बचा है, क्योंकि मरीज इतने आएंगे तो उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। 15,000 का इंजेक्शन आए, 15,000 में होगा क्या, 3 दिन में अगर 15,000 इंजेक्शन आएंगे, रोज आपके पास जो मरीज है वो 17,500 से ज्यादा है, तो 15,000 मरीज इंजेक्शन का आप करेंगे क्या, पहली डोज तो हर किसी को 2 डोज लगनी है, तो उसमें भी कमी है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज़ है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ खुद इतना बड़ा भिलाई स्टील प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करता है, मध्य प्रदेश को भी देता है, महाराष्ट्र को भी देता है, तो छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी जरूर है यहाँ पर। और जिस प्रकार से पॉजिटिविटी रेट कल बढ़ रहा है, कल 31% के आसपास रेट बढ़ चुका है, संक्रमण का स्तर पहुंच चुका है, ये बहुत दुखदाई है। मौत का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत मुश्किल है। जब तक आप लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं तब तक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, लॉकडाउन खत्म करने के बाद तो आंकड़े इतने तेजी से ऊपर जाएंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है आदित्य, दीप्ति, क्या मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता रह गया है, क्योंकि अभी तक जिन जिलों में 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है वहां स्थिति बहुत ज्यादा संभली नहीं है। अगर भोपाल और इंदौर की बात करें, थोड़े से पहले से हालात वहां सुधरे, लेकिन उसके बाद जबलपुर और ग्वालियर में स्थिति बिगड़ चुकी है, तो क्या लॉकडाउन मध्य प्रदेश में भी आखिरी विकल्प रह गया है? गुंजन, लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सरकार ने ये सोचा था कि 30 अप्रैल तक 450 टन ऑक्सीजन अरेंज कर ली जाएगी, जिसके बाद जो है ऑक्सीजन की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि अब वो लगभग 600 टन की हो गई है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 200 टन ऑक्सीजन कहाँ से, 150-200 टन जो ऑक्सीजन है कहाँ से एडजस्ट की जाए। इसके अलावा जो अब सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में हो गई है वो ये हो गई है कि ये जो इन्फेक्शन है ये शहरों से निकल के पास के जिलों में और कस्बों में पहुँच गया है। भोपाल से सटे हुए छोटे छोटे जिले सीहोर, विदिशा, इनमें इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ के कस्बों में तेजी से बढ़ रहा है। और अगर इन्फेक्शन इतनी ही तेजी से बढ़ता रहा तो सरकार के पास फिर कोई प्लानिंग बचेगी ही नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि कोई और विकल्प बचेगा ही नहीं सिवाय लॉकडाउन के। लॉकडाउन कराया जा सकेगा, लेकिन उसके बाद यही है कि लॉकडाउन के बाद अगर इन्फेक्शन रेट कम हो गया तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हालात अभी भी बिगड़े ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से, जो मैंने आपको लगातार बता रही हूँ कि डिमांड सप्लाई का डिफरेंस हो गया है, और अब ये जो इन्फेक्शन है ये छोटे छोटे गांव में भी जाने लगा है, और सरकार ने पहले ही इस बात के लिए आगाह किया है कि अब छोटे शहरों में भी, छोटे गाँवों में भी कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू के लिए लोगों को तैयार करें, लोगों से बोलें कि वो अपने से जनता कर्फ्यू करें और घरों से नहीं निकले। तो उस समय ही ये बात 3-4 दिन पहले बड़ी साफ हो चुकी थी कि शहरों को तो सरकार बचाने की कोशिश जिस तरह से किसी तरह से कर रही है, लेकिन अगर शहर से इन्फेक्शन कम नहीं है तो कम से कम गाँव को अभी से बचाया जाए। तो वही स्थितियां अब देखने को मिल रही हैं, लगभग पूरे प्रदेश में बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन रेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, और जो लोग अपने परिजनों को लेकर आ रहे हैं इलाज के लिए तो वो यहाँ तक आने जाने में, वापस पहुँचने में, उसमें वापस इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो अब सरकार के पास कोई बहुत तरीके बचे नहीं है सिवाय इसके कि लॉकडाउन हो, और लॉकडाउन भी बहुत सख्त हो, तभी इन्फेक्शन को किसी तरह से कम भी होते जा रहे हैं, क्योंकि उसके अगले दिन आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहे हैं कि पिछले दिन जो इंतजाम किए गए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। विनोद, क्या आम जनता के अंदर उतनी जागरूकता है, क्योंकि जिस तरीके से दीप्ति बता रही थी कि गांव के जो इलाके हैं उनको थोड़ा सा इससे दूर रखा जा सके इसकी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन क्या इतनी जागरूकता जनता के अंदर अभी आपको नजर आ रही है कि आम जनता इस बात को समझे, लापरवाही ना बरते? देखिए गुंजन, एक बात जरूर देखने को मिल रही है कि जो अभी संक्रमण फैलने का सबसे ज़्यादा रेशियो है वो शहरों में ज़्यादा है,
हालांकि छोटे छोटे जिले भी हैं, भिंड है, मुरैना है, दतिया है, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, इन जिलों में ग्वालियर जैसी संख्या तो नहीं है, लेकिन इन जिलों से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं, चाहे वो कस्बे हों या छोटे छोटे गांव हों, वहां भी संक्रमण पहुंच चुका है। लेकिन वहां के लोग ये मानते हैं कि शहरों में ज्यादा है, गांव में इतना नहीं है, लेकिन किसी भी गांव में अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो वो पूरे गांव को संक्रमण देगा ही देगा, यानी कोरोना घर घर पहुंचने की पूरी आशंका है। हालांकि ये भी देखने में मिल रहा है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां से लोगों का आवागमन शहरों में अब कम हो गया है। लॉकडाउन जो किया है ग्वालियर का, तो उससे ग्रामीण इलाके के लोग छोटी छोटी तहसील ब्लॉकों तक सिमट गए हैं, बड़े शहरों की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर एक बड़ा संभाग और जिला है इस अंचल का, जिससे सीधे सीधे 8 जिले लगते हैं और बड़ा कारोबारी केंद्र इन जिलों से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाकों में संक्रमण अभी पहुंचा है वो उस रफ्तार से नहीं पहुंचा, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में लोगों ने खुद ही जागरूक होकर अपना खुद से लॉकडाउन नहीं किया तो वहां भी स्थिति बहुत ही विकराल हो जाएगी और फिर नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब अगर सरकार या कोई भी प्रतिनिधि ये कहे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाइए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि यही एक उपाय है कि दूर रहिए और कोरोना से बचिए। बावजूद इसके लोग अगर लापरवाही करते हैं तो इस बार बहुत खतरनाक लापरवाही साबित हो सकती है। बिल्कुल विनोद, स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। शरद पंडित जी, कहा ऐसा जा रहा है कि पहले जो वायरस था वो वायरस 10 मिनट में लोगों को संक्रमित करता था, लेकिन अब जो डबल म्यूटेंट है वो 1 मिनट में लोगों को संक्रमित कर रहा है, यानी कि जो वायरस है हवा में घुल चुका है। इस वायरस से खुद को किस तरीके से बचाया जाए? आम जनता मास्क लगा सकती है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकती है, घरों में रह सकती है, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। अगर वायरस हवा में है तो कैसे बचें उससे? देखिए गुंजन, इस संबंध में अभी जो चर्चा में है कुछ बिंदु आए, सबसे पहला तो ये है कि लॉकडाउन हमको जो है वो चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे, भले ये पैलेटेबल डिसीजन नहीं है, है ना, नॉर्मलिसी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है, परंतु इस समय तात्कालिक परिस्थिति में जो है ये कैसा भी म्यूटेंट वाला वायरस हो, हमको अपने आप को घरों में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस वायरस से बचना है तो। चाहे ये अभी गुआन या यूके स्ट्रेन जो है मिलके जो बता रहे हैं कि उस तरह का और ये ज्यादा खतरनाक है, परंतु लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन ये सब चीजों को हमको भले ही बेमन से हो इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। नंबर दो जो है, हम लोग जो है अर्बन और रूरल की बात कर रहे हैं, हमारे लिए ये रूरल एरियाज भी चैलेंज वाले एरिया है और साथ में जो अर्बन एरियाज में जो स्लम्स हैं वो स्लम एरियाज भी बहुत ही अनहाइजीनिक और जो है ऐसे एनवायरमेंट है वहां का कि वहां भी ये डर है कि ये वायरस जो है वो पहुंच सकता है, इसलिए अभी से इसके बारे में भी सोचे जाना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो कमी हो रही है जो टेस्टिंग की, टेस्ट किट्स नहीं है या अन्य लॉजिस्टिक नहीं है, हमको अपने आप ये टेस्ट कैसे भी हो बढ़ाना पड़ेंगे और ये टेस्ट बढ़ा के उसके 24 आवर्स में जो है रिपोर्ट देना पड़ेगी, यही हमारा जो गोल्डन पीरियड रहता है, इसमें यदि रिपोर्ट आ जाएगी तो बहुत सी जो है वो पॉपुलेशन को हम लोग टाइमली ट्रीटमेंट दे पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ये और बड़ी समस्या आ रही है कि अगर लोग टेस्ट भी करा लेते हैं तो रिपोर्ट्स उनकी काफी दिन में आती है, 2 से 3 या 4 दिन लग जाता है, ऐसे में वो कितनों के संपर्क में आते हैं और कितने लोग संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं सर आपके पास। दीप्ति, वैक्सीनेशन को अगर देखें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी तेज है इस वक्त, क्योंकि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगना है, लेकिन उससे पहले 45 प्लस के लोगों को जिस तरीके से वैक्सीन लगना चाहिए क्या लग पा रहा है? क्या लोग उतने जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर भी? दीप्ति, जी वैक्सीनेशन को लेकर तो गुंजन जो तैयारी है अभी तक बहुत सीधे तौर पे अभी सामने नहीं आई, पूरी प्लानिंग सामने नहीं आई है कि जब 18 साल से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन लगेगा तो किस तरह से तैयारी होगी, कितने सेंटर बनाए जाएंगे, सेंटर्स को कैसे रखा जाएगा, क्या ये सेंटर मोहल्ले में बना लिए जाएंगे या फिर ये सेंटर बड़े अस्पतालों में ही बनेंगे, ये सारा पूरा रोड मैप तैयार होना है। लेकिन हाल फिलहाल जो स्थितियाँ मुझे लग रही हैं कि सरकार कोविड के हालातों से ही निपटने में लगी हुई है, अभी तक इसका कोई रोड मैप सामने नहीं आया।
आया। हालांकि ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब से 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ और उसके बाद एकदम से कोविड केस तेजी से बढ़ गए, तो जिसके कारण वैक्सीनेशन में थोड़ी सी कमी आई, लोग घरों से निकल कर नहीं आए वैक्सीन के लिए। तो अब ये जो 18 साल की से ऊपर की आयु के लोगों को जो वैक्सीन लगेगा, तो इसको किस तरह से आगे तैयार किया जाएगा, इसका रोड मैप क्या होगा? और बड़ी बात यह है गुंजन की वैक्सीन में कहा जाता है कि अगर उसके एक पैकेट को खोला जाता है, एक वायल को खोला जाता है, तो उसमें जो शायद 10 पीसेस निकलते हैं और उनको 4 घंटे में यूटिलाइज करना होता है। तो प्रॉपर उसके लिए अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हर सेंटर पर अगर कुछ वैक्सीन खुल रहे हैं तो कम से कम लोग लगातार आए, 4 घंटे में कम से कम 10 लोगों को लगे, क्योंकि कुछ राज्यों से ऐसी भी बातें सामने आ रही थी कि वो जो वैक्सीन पहुंचे हैं वो खराब हो गए क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। छत्तीसगढ़ वासियों के अंदर जागरूकता है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसका वैक्सीनेशन का कल का आंकड़ा बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत कम, लगभग केवल 50 से 52 हज़ार कल वैक्सीनेशन हुआ है। वो वैक्सीनेशन जो छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख 3 लाख पहुंच रहा था, लॉकडाउन के चलते वो 52 हज़ार आ गया है। ये 52 हज़ार वो है जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, 52 हज़ार वो हैं जो 45+ हैं। ऐसे में अब 1 तारीख से आपको महाअभियान शुरू करना है 18+ के लिए। बहुत ज़्यादा जागरूकता की कमी है और सरकार को हर स्तर पर, ग्रामीण लेवल पर, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन पहुँचानी पड़ेगी, ताकि युद्ध स्तर पर इसे एक कहीं ना कहीं एक बड़ा एक एजेंडा बनाना पड़ेगा सरकार के लिए। और जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा यही हालत रहेगी छत्तीसगढ़ की। तो फिलहाल तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छी नहीं हो रही छत्तीसगढ़ में, आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, 60 हज़ार 80 हज़ार से अब तो 52 हज़ार आ गए। तो सरकार के लिए सोचनीय प्रश्न है कि वैक्सीनेशन कम क्यों हो रहा है और 18+ का वैक्सीनेशन कैसे हम बढ़ाएं। संक्रमण से जीतना है, कोरोना से जीतना है, तो हर तरफ तैयारी करने की जरूरत है। अस्पतालों में भी तैयारी करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी, बेड्स की व्यवस्था करनी होगी, ऑक्सीजन की। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन एक बड़ा चैलेंज होगा, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से बाहर निकालना और वो वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, दीप्ति आपका, विनोद आपका और शरद पंडित जी आपका। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, आपसे भी न्यूज स्टेट यही अपील करता है, अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।